हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे दोस्तों एक नया टर्म, एक नया वर्ड जो कि है एफथोंग। अच्छा दोस्तों, हमने अपनी प्रोनंसिएशन की क्लास में सीखे हैं मोनोफथोंग्स, डिफथोंग्स, ट्रिफथोंग्स। अभी एफथोंग क्या है एक मिनट में बताता हूँ। दोस्तों, बहुत ही छोटा टॉपिक है। एफथोंग का मीनिंग क्या होता है? एंड एफथोंग इज अ लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी एक लेटर हो सकता है या कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं। Used in spelling of a word, एक word की spelling में तो use होते हैं ये जो letter है, जो word की spelling में तो है, but not pronounced, इसका उच्चारण नहीं होता। यानी अगर कोई ऐसा word है जिसमें कोई एक letter या एक से ज़्यादा letters हैं और वो spelling में तो हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता, यानी वो silent होते हैं, तो उन्हीं को एफथोंग कहते हैं। जैसे एक example है आपके सामने, GH in night, ये जो word है night, जिसका मतलब होता है रात। तो अगर आप देख रहे हैं NI और T, इतने का उच्चारण करते हैं हम, night, जी एच का तो उच्चारण नहीं होता। या दूसरा वर्ड है नाइट, ये के से शुरू होता है, ये एक टाइटल है, ये एक खिताब है जो इंग्लैंड की रानी देती है लोगों को, नाइट, नाइटहुड की उपाधि जैसे आपने सुना होगा मिलती है। इन दोनों वर्ड्स में जी एच साइलेंट है। तो दोस्तों, इस हिसाब से जितने भी साइलेंट लेटर्स हैं सारे के सारे एफथोंग हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की अनोखी बातें आपको, अनोखे टॉपिक्स आपको बताता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फिर एक कमाल की बात बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।